नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे हैं। दोस्तों, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट शो गुरुकुल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो स्टार्ट होता है आपका दो बजे और इस शो के अंदर में दोस्तों मैं जो है आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन डाइवर्सिटी भारत की जैव विविधता है ना इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं आपको लेक्चर नंबर छह है दोस्तों हमारा ये और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको पता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है सभी को गुड आफ्टरनून सभी का गुड आफ्टरनून दोस्तों और आपके इस गुड आफ्टरनून के बीच में मैं भी एक बात अपनी रखना चाहूंगा गाइज प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक चैनल को जरूर पहुंचाएं उनके साथ प्लीज जरूर शेयर करें अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है कंटेंट रेलेवेंट है आपको अगर मजा आता है तो प्लीज इसको क्या करें दोस्तों शेयर करें तो सिक्स लेक्चर है इंडियन डाइवर्सिटी पढ़ाने वाले हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर दोस्तों आपके साथ मैं हूं चलिए दोस्तों इससे पहले मैं आपको स्टार्ट करूं मैं आपको बताना चाहूंगा सी एस यार पूरी यूट्यूब पूरी टीम तैयार की माध्यम से जोग्रफीआर टी वन जीरो वन इन चार चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं अपनी पूरी यूपीएससी की तैयारी को आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ तो गाइज आप जो है अभी मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं यूपीएससी वन पर मैं चाहता हूं कि आप ये जो चार तीन चैनल मेरे और प्लीज गाइज एक बार

ऐप के ऊपर मेरा जो नाम है वो सुमित कुमार है ठीक है तो कई बार बच्चा सुमित राठी पूछ लेता है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो सुमित सुमित कुमार मेरा मेरा नाम है 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 ऐप के ऊपर और जो कोड वो सुमित 10 है. तो आप जब मेरा कोड बताएंगे वहां पे तो भी पहचान लिया जाएगा ठीक है मेरे साथ जुड़े और अकेडमी ऐप पर जाकर मुझे सुमित कुमार के नाम से फॉलो कर लें ठीक है इसके बाद क्या होगा दोस्तों जब भी आप कोई क्विज करेंगे या आप कोई स्पेशल क्लास करेंगे या कोई भी प्लस कोर्स करेंगे आप पूरी इस प्रोसेस में मेरे साथ रहेंगे और जब भी प्लस कोर्स करते हैं आपको एक कोड की आवश्यकता होती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोड यूज करें सुमित टेन और जुड़े मेरे से कनेक्ट हो मेरे से और अपनी इस पूरी यूपीएससी तैयारी को बेहतर बनाइए सुदृढ़ बनाइए दोस्तों ठीक है मेरे साथ मिलकर तैयारी कीजिए दोस्तों मैं पूरी प्रोसेस में आपको क्या करूंगा इस पूरी प्रोसेस में मैं आपको गाइड यहां पर करूंगा इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो आज के लिए एक अच्छा ऑफर है ठीक है ये भी सुन लो यार ठीक है बहुत अच्छा ऑफर है दोस्तों फ्लैट आपको क्या मिल रहा है फ्लैट आपको अगर मैं बात करूं तो 10 परसेंट ऑफ मिल रहा है सुमित कोड यूज करने पे प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो के ऊपर देखो डिस्काउंट अगर हम देखें तो एक साल का प्राइस यह है पैंतालीस हजार लेकिन यहां पर आपको पंद्रह हजार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है जबकि आइकॉनिक के ऊपर जिसका प्राइस है ओरिजिनल प्राइस था अठहत्तर लेकिन अभी सिर्फ आपको तिरसठ में मिल रहा है अठारह महीने का दोस्तों बेस्ट है दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन एवर यार कि दो अठारह महीने का अड़सठ हजार रुपए में वो भी आइकॉनिक आपको सत्रह हजार रुपए का बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों तो मैं तो कहूंगा फटाफट से ये ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है ना ये ले लीजिए बाकी अगर आप दो साल की तैयारी कर रहे हैं आप दो हजार तेईस चौबीस में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए दोस्तों <coughs> बाकी आपकी इच्छा है हाँ जब भी आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको जो कोड यूज करना है दोस्तों अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है ठीक है मेरी टीम के साथ जुड़ना है तो गाइज मैं आपको बता दूं आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों सुमित टेन ये मेरा कोड होगा इस कोड को आप यूज करेंगे आप जुड़ेंगे मेरे से और मेरी पूरी टीम से जो हम आपको गाइड करेंगे दोस्तों इस पूरी यूपीएससी की जर्नी के अंदर तो गाइज फटाफट आइए फटाफट जुड़िए फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और आप हमारे साथ मिलकर अपनी प्रीमियम तैयारी कर सकते हैं सुमित टेन कोड के साथ मिलकर और ये जो ऑफर है दोस्तों ये सिर्फ सोलह मार्च तक है मतलब चौदह से सोलह मार्च है तो ये ऑफर आपका जल्दी खत्म भी हो जाएगा भाई तो इसको लेट मत करो देर मत करो फटाफट जाके ऑफर को जो है ले लो दूसरा ये भी ऑफर है टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है दोस्तों ठीक है जिसको टेस्ट सीरीज लेनी है वो भी ले सकता है सेम कोड यहां पर भी रहेगा सुमित टेन टेन परसेंट डिस्काउंट मेरा गाइडेंस आज हम बात कर रहे हैं इंडियन डायवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मैंने पिछली में भी आपको पढ़ाया था थोड़ा ब्रीफ दे देता हूं भारत एक बहुत ही आपका अगर मैं जैव विविधता के हिसाब से बात करूं तो भारत की जैव विविधता बहुत वाइड डाइवर्स है भारत के अंदर में बहुत सारी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भारत में पाए जाते हैं मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत एक ऐसा क्षेत्र है जिसका केवल दो दशमलव चार प्रतिशत एरिया जो है पूरी दुनिया का हम केवल एरिया वाइज टू पॉइंट फोर परसेंट है लेकिन अगर मैं स्पीसीज वाइज बात करूं मैं प्रजाति वाइज बात करूं मैं जीव के हिसाब से मैं पेड़ पौधों की प्रजाति के हिसाब से बात करूं दोस्तों पूरी दुनिया की लगभग सात प्रतिशत आपकी जो प्रजातियां हैं स्पीसीज जो है वो भारत के अंदर पाई जाती है भारत का जो कुल मिलाकर 25% के आसपास जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर में आता है तो इसीलिए भारत बहुत विविध जो है प्रजाति के हिसाब से बहुत डाइवर्स कंट्री है दोस्तों भारत की जैव विविधता बहुत ही क्या है दोस्तों ज्यादा है ठीक है अब मैं भारत की बात मैंने की थी लास्ट क्लास में तो मैंने बताया था स्पीशीज के अंदर में देखो अगर हम बात करते हैं मैमल्स में तो भारत स्थान आता है सातवा दुनिया में सबसे बड़ ज्यादा मेमल्स हमारे यहाँ पे पक्षियों में दोस्तों हम नौवे स्थान पर हैं और रेप्टाइल्स में हमारा है कितनी ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में पाई जाती है तो भारत में कुल मिला के इक्यानवे सौ प्रजातियां पाई जाती है जानवरों की और पैंतालीस हजार इक्यानवे हजार प्रजाति पाई जाती है जानवरों की और पैंतालीस हजार प्रजाति पाई जाती है दोस्तों पशु पेड़ पौधों की इनमें से अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों तो इनमें से इतने परसेंट केवल भारती, भारत में ही पाए जाते हैं मतलब भारत में इक्यानवे हजार प्रजातियों में से बारह परसेंट मेमल ऐसे हैं जो केवल भारत में पाए जाते हैं स्तनधारी उसके अलावा अगर मैं एम्फावियंस की बात करूं तो 55 परसेंट इक्यानवे हजार में से ऐसे हैं जो केवल इंडिया में पाए जाते हैं ठीक है प्लांट्स 33 परसेंट ऐसे हैं जो इंडिया में ही पाए जाते हैं रेप्टाइल्स पैंतालीस केवल इंडिया बर्ड्स चार परसेंट, केवल इंडिया ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं आपको भारत में ही मिलते हैं तो स्पीसीज एंडमिज्म का मतलब क्या होता है वो प्रजाति जो केवल और केवल आपको कहाँ पर मिले भारत के अंदर ही मिलती है उस चीज़ को हम बोलते हैं एंडमिज्म तो स्पीसीज एंडमिज्म भारत की क्या है दोस्तों बहुत ही ज्यादा है अब मैं बात करता हूं दोस्तों भारत का रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बताया था देखो भारत दो रेल को कॉन्टिनेंट मतलब साइज का होता है पांच बायोम दस बायोजियोग्राफिक क्षेत्र और पच्चीस बायोजियोग्राफिक प्रोविज हम क्या करते हैं दोस्तों इसमें कवर करते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे रेलम क्या होता है रेलम का मतलब कॉन्टिनेंट साइज का बड़ा आकार होता है ठीक है रेलम के अंदर में क्या होता है कि उस रेलम के अंदर में जैसे एक महाद्वीप ले लिया मैंने है ना तो ये महाद्वीप जो है इस पूरे महाद्वीप के अंदर में अगर मान लो सेम प्रकार के जीव जंतु और प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की जीव जंतु सेम है पेड़ पौधे सेम प्रकार के पाए जाते हैं तो हम कहते हैं यार इस पूरे कॉन्टिनेंट का सेम बायोटा है तो इसको हम एक रेलम डिक्लेयर कर देते हैं तो ऐसे करके ना अपने पास कुल मिला के कितने रेलम है दोस्तों आठ रेलम है ठीक है कितने हैं आठ पहला है नेराक्टिक ओशियोनिक नियोट्रॉपिकल एफ्रोट्रॉपिकल पेलियार्टिक इंडोमलायन ओशियोनिक ऑस्ट्रेलियंस एंड एंटार्क्टिक थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना आ लगेगा मुश्किल भाई लेकिन तैयारी तो यूपीएससी की यही है ना अब आपको मैं पढ़ाऊँ ही ना ये ठीक है मैं ऐसा ही बता दूँ कई कर, कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं यूट्यूब पर बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर उसका मतलब नहीं बनता दोस्तों अगर पढ़ना है तैयारी करनी है सेलेक्शन लेना है तो दिस इज द वे ठीक है बाई विच यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम अदरवाइज तो, तो सब बेकार है तुम बे, बोगस तै चीजें कर रहे हो बोगस तैयारी कर रहे हो ठीक है तो रेलम जो है भारत के अंदर दो रेलम है इंडिया देखो यहां पर है अब आप खुद बता सकते हो भारत इंडो मलायन और पेलियार्टिक रेलम को क्या कर रहा है दोस्तों इंक्लूड कर रहा है तो दो रेलम के अंदर भारत जो है वो आता है ठीक है रेलम जनरली क्या होता है एक बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है दोस्तों जहां पर पारिस्थितिक तंत्र व्यापक रूप से समान बायोटा साझा करता है बायोटा मतलब जीव जंतु सेम होते हैं पे फिर मैंने बताया था यार भारत के पांच जो है दो ये आपके रेलम पहला मैंने बताया था ये ये तो इंडो मलायन है और दूसरा ऊपर वाला है जिसको हम क्या बोलते हैं हिमालयन तो दो प्रकार के रेलम जो है वो भारत के अंदर में है ठीक है ये मैंने इसमें भी दिखा दिया था एक तो इंडो मलायन और दूसरा क्या है पेलियार्टिक पेलियार्टिक में सिर्फ ये हिमालय वाला भाग आता है ट्रांस हिमालय वाला भाग जो है ये आता है सिक्किम ट्रांस हिमालय जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है ठीक है सम पार्ट ऑफ हिमाचल सम पार्ट ऑफ लद्दाख ठीक है इसी प्रकार से सम पार्ट ऑफ लाइक like अरुणाचल प्रदेश बाकी नहीं है ठीक है उसके बाद इंडो मलायम के अंदर में ज्यादातर पार्ट इंडिया का इंडो मलायम के अंदर ही आता है तो दो रेल हम कवर करते हैं दोस्तों उसके बाद हमने बात की थी बायोजियोग्राफिक जोन की तो बायोजियोग्राफिक जोन के बाद आता है बायोम बायोम का मतलब क्या होता है ना बायोम का मतलब है कितनी प्रजातियां पाई जाती है स्पीसीज कितनी होती है ठीक है द टर्म बायोम का मतलब होता है कि कौन से मेन ग्रुप ऑफ प्लांट और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है जीव जंतु है वो वहां पे पाए जाते हैं दोस्तों किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट पैटर्न के अंदर तो भारत में ऐसे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तो जीवों के सारे कितने जीव पाए जाते हैं पेड़ पौधे कितने प्रकार के पाए जाते हैं उसके आधार पर हम भारत के जो बायोमास है उसके आधार पर हम भारत को पांच भागों में बांटते हैं जैसे पहला ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट ट्रॉपिकल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों देखो ट्रॉपिकल का मतलब होता है हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो जीरो डिग्री से लेकर ऊपर साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ और नीचे साढ़े तेईस डिग्री साउथ ये इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कर्क रेखा और मकर रेखा इसके बीच का जो इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ठीक है ट्रॉपिकल है ठीक है तो मतलब समझ गए मतलब मतलब तो है? है मतलब जंगल होता ही है। है, ट्रॉपिकल ही है, मतलब इसी एरिया की बात कर रहा हूं लेकिन इस एरिया का वो भाग जो सूखा होता है ठीक है डेसिडवेस का मतलब है जहां पर एक समय ऐसा आता है कि पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं पतझड़ ठीक है पत और पत्ते कब छोड़ते हैं पेड़ दोस्तों जब भी

ना बॉम डेजर्ट है आपका कहां राजस्थान के अंदर फिर आता है सेमी डेजर्ट एरिया लगभग भारत का ज्यादातर एरिया सेमी डेजर्ट एरिया है पंजाब हरियाणा ठीक है पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ठीक है ये क्या है दे ऑल कम्स अंडर द सेमी डेजर्ट एरिया उसके बाद है कोनी फॉरेस्ट कोनी का याद रखना इसका मतलब होता है शंकुधारी वृक्ष जो इस प्रकार की शेप में लेते हैं और पेड़ ऐसी शेप क्यों लेता है बताओ बर्फ से बचने के लिए है ना तो ये पेड़ कहां मिलेंगे दोस्तों आपको ऐसी अब आप भारत में बर्फ कहाँ पड़ती है हाइट के ऊपर जो पर्वत है पहाड़ है ऊपर हिमालय तो इसीलिए ये पेड़ कहा मिलेंगे आपको पर्वत के ऊपर और उसके बाद है अल्पाइन मीडो अल्पाइन मीडो जो है ये भी वहीं पर्वत पे मिलती है लेकिन ये इन पेड़ों के भी ऊपर मिलती है मान लो एक हाइट तक तो पेड़ मिलेंगे तुम्हें तुम जाओगे ना इधर हिमाचल में जाना तुम मनाली में पेड़ मिलेंगे थोड़ा ऊपर जाओगे मनाली से ठीक है मिलेगा लेकिन जैसे तुमने रोहतांग टनल पार की ठीक है उसके थोड़ा आगे आप जब और जाओगे ना ठीक है उसके दारचाला वगैरह के पास में तो वहां कुछ नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि वो ट्री जो वो आपका रेंज है उससे ऊपर है ट्री लाइन से ऊपर है तो वहां पर फिर आपको घास फूस काई ये सब मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं एल्पाइन मीडो ठीक है तो पांच प्रकार के बायोम हमने बांटा था तो बायोजियोग्राफिक जोन जो है भारत के बायोम पांच है फिर उसके बाद 10 भारत के अंदर बायोजियोग्राफिक जोन है बायोजियोग्रफिक जोन का मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल मतलब भारत में अगर मैं पेड़ पौधे देखू ना तो उन सब के आधार पे हम भारत को दस बायोजियोग्रफिक जोन में बांट सकते हैं देखो यार ये सेम सेम सा नहीं लग रहा है यार ठीक है दो रेलम फिर पांच बायोम ठीक है उसके बाद सर आप कर रहे हो दस बायोजियोग्राफिक रीजन ठीक है और उसके बाद पच्चीस क्या है बायो बायोजियोग्राफिक प्रोवियंस सर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो भाई मैं नहीं कर रहा यार बांटा हुआ है पढ़ना है पेपर में है तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है मुझे भी पता है कि थोड़ी दिक्कत आ रही है बट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों तो हम भारत को इन दस बायोजियोग्राफिक जोन में विभाजित करते हैं तो बायोग्राफी पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण से संबंधित है ये और इसमें दस भौगोलिक क्षेत्र भारत में हम बांटते हैं जो ये रहे यहाँ पर ठीक है ये दस क्षेत्र हैं देखो लिखा भी है डायग्राम में इधर बनाया भी है जैसे यहाँ पे है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है ये आपका ये दूसरा हिमालय का क्षेत्र है यहाँ और यहाँ देखो तीसरा अगर मैं बात करूँ ये वाला तो ये डेजर्ट वाला है चार नंबर पे ये सेमी डेजर्ट एरिया है पांच नंबर के ऊपर में क्या आता है दोस्तों वेर पांच पांच पे वेस्टर्न घाट है छः पे आपका डक्कन पेनिनसुला आ जाता है पूरा सात पे उत्तर भारत का मैदान आ जाता है दोस्तों उसके बाद आठ के ऊपर तटीय मैदान आ जाते हैं नौ के ऊपर आपका क्या आ जाता है दोस्तों नाइन्थ पे नॉर्थ ईस्ट वाला और दस पे आइलैंड आ जाता है ये मैंने कल पढ़ाया था परसेंटेज भी हमने इनका डिस्कस कर लिया था ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिए थे बायोजोग्राफिक जोन आज इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक जोन को मैं डिटेल में आज पढ़ाऊंगा ठीक है तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका कोर पार्ट यही है इसको हमें क्या करना है दोस्तों इन दस के दस को डिटेल के अंदर में आज पढ़ना है ओके अभी इनका है, कि भाई ट्रांस जोन कितना जो क्षेत्र है वो किस बायोजियोग्राफिक जोन के अंदर पड़ता है तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है सेमी एरिड जोन ठीक है तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा बायोजियोग्राफिक जोन किसका है दोस्तों आपका सेमी एरिड रीजन है ना सबसे ज्यादा इसी के अंदर आता है अब आता है दोस्तों अपने पास नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपने पास आता है बायो बायोजियोग्राफिक क्या प्रोवियंस ठीक है अगला जो हमारे पास आता है दोस्तों दिस इज बायो प्रोवियंस क्या है ना कि जो ये नीचे पीछे हमने बांटे हुए थे बायो बायोजियोग्राफिक जोन अब जोन को भी हम कई कई भागों में बांट लेते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं ठीक है जो हिमालयन ट्रांस हिमालय वाला रीजन था ठीक है ट्रांस हिमालय वाला रीजन कहां था ये वाला एक नंबर है ना तो इसको भी हमने क्या किया तीन भागों में बांट दिया इस भाग को भी हमने तीन भागों में क्या कर दिया

एक तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय मतलब उत्तर पश्चिम का हिमालय दूसरा फिर पश्चिमी हिमालय फिर मध्य हिमालय फिर पूर्वी हिमालय ठीक है तो हमने क्या किया है हमने बायो बायोजियोग्राफिक जोन को भी फिर मल्टीपल उसमें बांट दिया इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो प्रोवियंस आ जाएगा है ना जैसे हम क्या करते हैं भारत को अट्ठाइस राज्यों में बांटा फिर अट्ठाइस राज्यों में डिस्ट्रिक्ट होते हैं फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तहसील होती है ठीक है हर तहसील के अंदर ब्लॉक होते हैं हर ब्लॉक के अंदर में गांव होते हैं ठीक है इस प्रकार से डिवीज़न है तो यहां पर भी वही डिवीज़न है दोस्तों बट ये डिवीज़न डिवीज़न किसके हिसाब से है दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट क्या किया दोस्तों इसको भी हमने पांच भागों में बांट दिया यहां पर सेंट्रल हाईलैंड छोटा नागपुर ईस्टर्न हाईलैंड सेंट्रल प्लेटू और डेक्कन साउथ है ना हमने क्या किया इसको पांच भागों में बांट दिया गेंगे प्लेन को भी हमने दो भागों में बांट दिया अपर गंगा और लोअर गंगा अब अपर गंगा लोअर गंगा समझ रहे हो ना देखो ये गंगा गैंगटिक है तो इसको अपर गंगा बोल दिया इसको हमने लोअर गंगा बोल दिया है ना क्योंकि यहां पर अगर देखते हैं तो यहां अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे अलग प्रकार के तो हमने बांट दिया भाई ठीक है चल रहा है तो चलने दो उसके बाद कोस्ट कोस्ट को भी हमने तीन भागों में बांटा वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप है ना तीन भागों में बांट दिया उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी हमने दो भागों में बांटा पहला नॉर्थ ईस्ट जो ईस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्वी ओर स्थित है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट हिल्स नॉर्थ ईस्ट हिल जो है आपकी वो पहाड़ी वाला क्षेत्र वो आइलैंड्स को हमने दो भागों में बांट दिया आइलैंड में अंडमान और दूसरा आइलैंड क्या हो गया निकोबार याद रखना यहां पर लक्षद्वीप को हम किसके अंडर रखते हैं कोस्ट वाले जोन में रखते हैं तो ये दस जो जोन हमने बना दिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास ना वो क्या बनता है इनको पढ़ना जैसे ट्रांस हिमालय अब मैं इसी में बताऊंगा ट्रांस हिमालय को प्यारे बच्चों हमने कितने भागों में बांटा है प्रोवियंस के हिसाब से बायोजियोग्राफिक प्रोवियंस के हिसाब से हमने इसको तीन भागों में बांटा है पहला कौन सा दोस्तों लद्दाख हिमालय दूसरा कौन सा हिमालय दोस्तों आपका बताओ ट्रांस हिमालय तीन भागों में पहला लद्दाख दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है दोस्तों दूसरा अगर हम बात करें तो वो है आपका लद्दाख वाले के बाद में दूसरा क्या था तिब्बत और तीसरा था ये सिक्किम वाला अब कितना एरिया कुल मिला आप सोच रहे हो ट्रांस हिमालय के अंदर आता है तो इसमें लग बग लग बग पांच दशमलव छह एरिया इसके अंदर आता है बट इसको पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और सिखाना चाहूंगा एक चीज पे ध्यान देना देखो ठीक है हम ना ट्री डेंसिटी का मतलब समझते हो ट्री डेंसिटी बताओ क्या होता है वनस्पति घनत्व तो समझते हो क्या होता है दोस्तों बताओ जल्दी यार गाइस वीडियो लाइक शेयर नहीं कर रहे हो तुम यार डे बाय डे आप लोगों की संख्या गिर रही है ठीक है फिर आप हमारा दोस्त निकाल देते हो शेयर करो यार वीडियो को मतलब फैलाया करो तेजी के साथ ठीक है तेजी के साथ वीडियो को फैलाओ सो ट्री डेंसिटी का मतलब क्या होता है कितने पेड़ एक जगह पे हैं मान लेते हैं ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा है सपोज करते हैं हम ट्री डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है वेरी हाई है ना एक चीज होगी मान के चलते हैं ट्री डेंसिटी लो है और तीसरा है ट्री डेंसिटी वेरी लो समझना बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं वेरी हाई का मतलब बहुत ज्यादा पेड़ है और बहुत पेड़ है मजा आ गया ठीक है एकदम लो का मतलब क्या है कम पेड़ है मतलब पेड़ बहुत ज्यादा है, है तो उसको हम क्या कह देते हैं भाई ठीक है है पेड़ बहुत ज्यादा तो भैया ये तो जंगल है क्या है ये जंगल और जंगल में एक शेर है है ना दूसरा अगर कहता है लो है लो का मतलब है कम है पेड़ तीसरा कह रहा है वेरी लो वेरी लो है तो मतलब पेड़ पौधे बहुत, बहुत कम है तो ये बन गया क्या आपका डेजर्ट बोले तो मरुस्थल लो का मतलब क्या है कम है तो जब कम हो ना फॉरेस्ट मतलब ना तो पेड़ इतने हो कि जंगल बन जाए और ना इतने कम हो कि डेजर्ट बन जाए फिर उसको हम क्या कहते हैं ठीक है घास के मैदान हम उसको कहते हैं क्या कहते हैं उनको हम ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान तो ग्रास इज बेसिकली अ ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन फॉरेस्ट एंड आपका डेजर्ट इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे ठीक है थीके? अब किस चीज पर निर्भर करेगा कि कहीं पे फॉरेस्ट मिलेगा कहां पे घास के मैदान मिलेंगे और कहां पर डेजर्ट मिलेगा आपको क्या लगता है किस बात पे निर्भर करता होगा आसाराम बापू या भगत रामपाल कि तथास्तु हो गया जंगल बन गया किस बात पे दोस्तों कुछ कंडीशन होती हैं ठीक है थीके? कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो वाले इको सिस्टम ऐसा एक मेरे पास और भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मतलब क्या होता है दोस्तों जो जल में पाया जाए है ना? तो ये हो गया आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र और ये क्या हो गया दोस्तों टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया ये हो गया आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया दोनों आपको पता है इसमें मेजर चीज क्या होती है कौन डिसाइड करता है इसमें मेजर चीज क्या होती है आपको पता है इसमें जो मेजर चीज होती है आपका दोस्तों दो मेजर चीज है पहला है तापमान और दूसरा क्या है दोस्तों आपका मॉइस्चर कह दो ठीक है ह्यूमिडिटी कह दो या इन दोनों का पिताजी जिसको हम रेनफॉल कहते हैं वो कह दो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एरिया के अंदर ठीक है तापमान अच्छा है और बारिश अच्छी है तो पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे बहुत तगड़े पेड़ पौधे होंगे वहां पे ठीक है तो आप मान के चलो वहां पर पेड़ पौधे भी क्या होंगे दोस्तों बहुत ज्यादा होंगे दूसरी बात क्या है अगर मान के चलो इनमें से किसी भी एक चीज की कमी है तो फिर बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे फिर क्या होंगे पेड़ पौधे कम होंगे अब भारत में तापमान की कमी तो है ना इंडिया में गर्मी तो एक दो महीने छोड़ दो यार दिसंबर जनवरी इंडिया में गर्मी कमी नहीं है तो तापमान तो अबंडेंस में मिलता है तो भारत में जो ऊपर नीचे चलता है वो क्या चलता है मॉइस्चर रेनफॉल बारिश कभी बारिश कम कभी ज्यादा तो जब जहां बारिश ज्यादा होगी तो वहां पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे जंगल बन जाएगा जहां बारिश कम होगी वहां क्या मिलेगा दोस्तों घास के मैदान और जहां बहुत ही कम होगी वहां क्या बन जाएगा मरुस्थल आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे ऐसी होता है इसमें दो चीजें फैक्टर जो होती है डिजोल्व ऑक्सीजन डीओ शॉर्ट में और एक होती है आपकी सनलाइट सूरज धर की लाइट कितने गहराई तक जा रही है पानी में लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है वैसे मैं आप जब इकोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा बट राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस हमें इससे पढ़ना है तो जैसे मैंने अभी पढ़ाया आपको कि भाई जब अगर ट्री डेंसिटी वेरी हाई है पेड़ पौधे बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या है इसका मतलब टेम्परेचर भी यहां पर ओके की रिपोर्ट में रहा होगा और बारिश भी यहां पर कैसी रही होगी ओके की रिपोर्ट रही होगी बारिश भी ज्यादा हुई होगी तभी तो जंगल बन गए डेजर्ट के अंदर क्या रहा होगा कि देखो तापमान की तो भारत में कोई कमी है ही नहीं लेकिन पक्की बात है ये मरुस्थल क्यों बना क्योंकि बारिश नहीं हो रही है उतनी है ना यहां पर क्या रहा होगा यहां पर भी टेम्परेचर तो ओके okay की रिपोर्ट है लेकिन बात क्या हुई होगी रेनफॉल के अंदर में क्या रहा होगा थोड़ा सा कम रहा होगा रेनफॉल कम रहा होगा बारिश इतनी हुई नहीं कि जंगल बन जाए ये तीन बात आपको समझ में आ रही है अगर ये बात समझ में आ रही है ना तो आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो समझ में आ जाएगा नहीं तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी ठीक है आप भैंस नहीं है मैं नहीं कह रहा आप भैंस है बट मैं बता रहा हूँ फिर मतलब फिर समझ नहीं आएगा मुद्दा ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय ये वाला पार्ट है अब सोचो इस पार्ट में क्या होता है तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार ट्रांस हिमालय हिमालय का वो भाग ऊपर वाला ठीक है लद्दाख वाख वाला भाग बर्फ बहुत पड़ती है ठंड बहुत होती है वहाँ पे ठीक है वहाँ ठंड होती है है ना लेकिन ठंड सिर्फ ठंड के टाइम पे होती है लेकिन तापमान तो वहां पे पहुंचता है ना बाद में दो, महीने छोड़ दो बाकी टाइम तो महीनेचर होता है कि नहीं होता हाँ सर होता सर है लेकिन क्या इस रीजन के अंदर में बारिश बहुत ज्यादा होती है नहीं होती है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है हल्की पड़ती है और बाकी बारिश वो सर्दियों के टाइम पे बर्फ के रूप में होती है ठीक है तो यहाँ पेड़ पौधे कैसे मिलेंगे खुद सोच के देखो इस एरिया के अंदर सर जी कुछ ना मिलेगा घास फूस मिलेगी क्यों क्योंकि जब तापमान होता है गर्मियों में तो बारिश नहीं होती और जब बारिश होती है मतलब बर्फ पड़ती है तो तापमान नहीं होता इसीलिए यहां पेड़ पौधे वनस्पति होती ही नहीं है है ना आपको घास मिल जाएगी छोटी मोटी काई मिल जाएगी आपको ठीक है अभी जाना अभी आप हिमाचल कोई जाए हिमाचल में ठीक है जैसे अटल टनल को क्रॉस करोगे पहाड़ हरे हरे होने लग जाएंगे ठीक है अप्रैल में जाना मार्च मई अप्रैल मे जून के अंदर जाना पहाड़ आपको व्हाइट से थोड़े थोड़े ग्रीन दिखने लगेंगे क्यों क्योंकि वो घास उगाती है काई लग जाती है क्योंकि बर्फ की गलती ना मेल्ट होती है यहाँ पर किसी प्रकार का आपको वो नहीं मिलेगा वेजिटेशन नहीं मिलेगा पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े नहीं छोटे छोड़ छोटे झाड़ मिल जाएंगे आपको बस क्यों क्योंकि इन्ना तो तापमान प्रॉपर से मिल रहा है और ना ही क्या बारिश एक चीज हमेशा एबसेंट है अब जैसे गर्मी आएंगी तो तापमान मिल जाएगा तो पानी नहीं है और ऐसे ही जब सर्दियों में बर्फ गिर रही थी मतलब पानी था तो तापमान नहीं था तो यहां पेड़ पौधे हो ही नहीं पाते हैं और ऐसा ये एरिया जो है ना कुल भारत का पांच दशमलव छह प्रतिशत टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है ठीक है इसके अंदर मुख्यतः कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया आता है और एरिड होता है एरिड का मतलब तो ये भी मरुस्थल ही है भाई और मरुस्थल क्यों है ये? मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि जब पानी है तो आपका तापमान नहीं है और जो तापमान है तो पानी नहीं है है ना तो ये चीज आप समझ गए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है लद्दाख में जम्मू कश्मीर में नॉर्थ सिक्किम में लाहौल एंड स्पीति वैली ठीक है यहाँ लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश तो ये यहाँ पाया जाता है ये एरिया बहुत ठंडा होता है भाई और एरिड का मतलब क्या होता है अर्ध मरुस्थली सॉरी सो, मरुस्थलीय होता है तो ठंडा भी होता है और मरुस्थलीय भी होता है क्योंकि 6000 मीटर ऊंचाई के ऊपर है तो वहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है दोस्तों इसकी जो वेजिटेशन यहां मिलेगी आपको अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी अल्पाइन का मतलब वही है घास फूस काई कंकड़ मैं आपको समझा चुका हूं यहां पे वेजिटेशन क्यों नहीं मिलेगी अब ऐसी वेजिटेशन मिलेगी तो ऐसे ही जीव भी मिलेंगे यहां पे ठीक है जीव भी कोई ऐसा नहीं मिल हाथी मिल जाएगा तुम्हें यहां पे हाथी बड़ा जानवर है ना तो उसको खाना पीना बड़ा चाहिए ज़्यादा चाहिए घास खाता है बहुत पेड़ पौधे खाता है पेड़ है ही नहीं यहाँ आती कहाँ से मिल जाएगा बताओ तुम्हें ठीक है नहीं मिलेगा क्योंकि मिल जाएगा बताओ तो ऐसे ही जीव मिलेंगे जो उस एरिया में कर सकते हैं तो यहां पर अगर आप तुम देखोगे तो अलग अलग प्रकार की जंगली भेड़ मिलती है वाइल्ड शीप। उसके अलावा बकरियां लोग पालते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्नो लेपर्ड ठीक है स्नो लेपर्ड स्पीति जो वैली है उसका मतलब एक वो है यार मतलब ये दिख जाए कोई घूमने जाता है स्नो लेपर्ड तो किस्मत मानी जाती है आई उसके बाद है मार्बल्ड कैट ये भी बिल्ली का टाइप का एक होता है ठीक है मार्मोट्स ठीक है एंड ब्लैक ब्लैकनेट क्रेन्स ठीक है तो ये सब यहां पे क्या पाए जाते हैं जीव पाए जाते हैं सबसे मुख्य बात जो है तुम्हें सोचना जहां दिमाग लगाना ना वो सोचो यार ये एरिया यहाँ है तापमान जब होता है तो बारिश ना होती बारिश होता तापमान तो मतलब वेजिटेशन भी नहीं मिलेगी अब क्योंकि ठंडा है तो वेजिटेशन अल्पाइन टाइप की होगी घास काई पाई बस ज्यादा ज्यादा ये मिल सकती है इससे ज्यादा तुम यहाँ से कुछ उम्मीद मत करो तो जीव जंतु भी वही मिलेंगे यहाँ पर जो इसी प्रकार के जीवन में अपना जो इसी प्रकार के एनवायरमेंट के अंदर में अपने आप को ढाल सकते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों हिंदी भाषा वाले छात्रों के लिए बट मेरी बात दिमाग में बिठा ली तो तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जो अभी पढ़ा है ना ये तुमने अगर दिमाग में बिठा लिया ना मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ पढ़ने की याद करने की जरूरत ही नहीं है तो ये हिंदी वाले जो हिंदी भाषा क्षेत्र के हैं जो छात्र दशमलव छह प्रतिशत होता है लाहौल स्पीति सिक्किम हिमाचल कश्मीर जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाया जाता है ये तो तुम वैसे ही मैप देख के भी देख सकते हो यार आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहा हूं मैप से भी पता लगा लो कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे तो उसमें जाने की ज्यादा डिटेल में जरूरत भी नहीं है आपको ये बहुत ठंडा एरिया होता है शुष्क होता है ठीक है एरिड होता है एकमात्र वनस्पति जो पाई जाती है वो आपकी अल्पाइन स्टेपी वनस्पति है और यहाँ पाए वाने वाले जीव क्या है जो तो जंगली भेड़ बकरियां ठीक है आई बेक्स हिम तेंदुआ उसके बाद जो है आपका संगमरमर वाली बिल्ली मोरमेट काली गर्दन वाले क्रेन ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे चलते हैं अगला जो भाग है इसके बाद एक के बाद दो नंबर पे आता है हमारा हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन दो जगह है एक तो ये वाला रीजन है जैसे अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाएगा हिमाचल का और फिर ये उत्तराखंड का अभी उत्तराखंड कैसा है आप बताओ ठीक है उत्तराखंड कैसा, कैसा है आप बताओ मुझे एक बार फटाफट से ठीक है कैसा है उत्तराखंड बताओ कहां पाया जाता है मुख्यतः उत्तराखंड में हिमाचल वाला ये जो एरिया है है ये ठीक उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया पूरा है ना तो आप यहां देखोगे तो यहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है यार उत्तराखंड में कितने पेड़ हैं यार बताओ खूब नहीं है वनस्पति खूब वनस्पति अच्छी खासी बारिश होती है इस एरिया में ठीक है तो बारिश भी होती है तापमान भी होता है तो जंगल भी मिलेंगे यहाँ पे और जंगल मिलेंगे तो जंगली जीव भी मिलेंगे है ना बस हो गया काम खत्म तो भारत के कुल एरिया का सात दशमलव दो परसेंट एरिया यहां पे आता है ठीक है कुछ ऊंची ऊंची चोटियां दुनिया की जो है वो यही है क्योंकि हिमालय का भाग है तो ऊंची चोटियां भी मिलेंगी ही बात है है दोस्तों यहां पर ठीक हिमालयन जोन जो है दोस्तों ये रिचेस्ट एरिया है बहुत सारे प्रकार के जीव जंतुओं के रहने का निवास है हैबिटेट है दोस्तों ये आपका यहाँ अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं देखो जंगल आगे ना क्यों आगे जंगल की बारिश अच्छी होती है और तापमान भी अच्छा होता है ग्रासी मीडो घास के मैदान भी यहां पाए जाते हैं ठीक है यहां पे मोइस्ट का मतलब होता है आद्र मिक्स डेसिड मतलब पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो हरे भी रहते हैं और ऐसे भी हैं जो पत्ते छोड़ देते हैं ठीक है ये यहां पे पाए जाते हैं हिंदी भाषा में भी वही चीज मतलब मेरा दिमाग मतलब मैं क्या कह रहा हूं ना अपने आप को एंपावर करो हमेशा रट्टे मारने पे ध्यान नहीं देना अपने को मुझे एरिया दिख गया हिमालयन जोन अच्छा भाई हिमालयन जोन ये होगा सर

ठीक है लेकिन जो आपको मान लो ज्यादा ऊपर नहीं मिलते वो पेड़ पर अपने पत्ते भी छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे अब डेजर्ट में सीधी सी बात एक तो ये एरिया आता है ठीक है राजस्थान का और एक ये एरिया आता है अब इसके बारे में आप थोड़ा खुद ही सोच के देखो ये डेजर्ट है इसका मतलब क्या होगा यहां पे बारिश नहीं हो रही तापमान की तो कोई कमी नहीं है ना इस एरिया में भाई खूब टेम्परेचर है क्यों क्योंकि साढ़े तेईस डिग्री यहीं से पास होती है ठीक है तो इसमें टेम्परेचर की तो कोई कमी होगी नहीं तो तापमान पूरा है ठीक है तो कमी है किसकी बारिश क्योंकि बारिश नहीं होती और बारिश ना होने के पीछे भी कारण क्या है दोस्तों आपको पता है यहाँ पे अरावली रेंज होती है तो जब जब ये आपकी हवाएं चल के आती है ना ठीक है जो बारिश करने वाली हवा है ठीक है साउथ वेस्ट मानसून वो इसके पैरल निकल जाता है तो उसको ये रोकती नहीं तो रोकती नहीं तो बारिश नहीं होती तो इसीलिए इस एरिया में बारिश आपकी होती नहीं है और बारिश ना होने की वजह से यह

जीव जान जंतु भी ऐसे ही होंगे अब यहाँ थोड़ी तो मैं यहाँ पे आती मिल जाएगा कि भाई घास है बहुत सारी आती खाएगा पेड़ पौधे तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसा जगह जैसा देश वैसा भेस तो ये डेजर्ट जोन जो है दोस्तों ये कुल ज्योग्राफिक क्षेत्र का जीरो दशमलव छह दशमलव नौ परसेंट एरिया है नेचुरल वेजिटेशन के नाम पर यहाँ पर थ्रोन फॉरेस्ट मिलते हैं कटीली झाड़ियां ठीक है किक्कर के पेड़ ऐसी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी सैंडी डेजर्ट्स मिलेंगे यहाँ पर आपको दोस्तों और कुछ नहीं है ठीक है ये आप मेरी बात समझ गए तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी ठीक है मैंने आपको वैसे ही बता दिया लेकिन बशरते एक है भाई तुम्हें अपना जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ठीक है उस कॉन्सेप्ट के अंदर में महारता होनी चाहिए तुम्हारे पास अगर कॉन्सेप्ट में वीक हो गए तुम ठीक है अगर कॉन्सेप्ट में वीक हो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए तो दिक्कत हो जाएगी ये वाला कॉन्सेप्ट तुम पकड़ गए तो मजा आ जाएगा तुम्हें तुम खुद कहोगे यार मजा आ गया सर जी ठीक है ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको क्लियर है हाँ भाई आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में गाइज यार एक बार लाइक और शेयर भी कर दो इतना बार बार मजबूर मत किया करो इतना बार, बार बार बोलना पड़ता है ठीक है जो बच्चे कर देते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दोस्त और जो नहीं करते हैं यार प्लीज यार बार बार मत बुलवाया करो यार लाइक कर दिया करो ठीक है आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आप समझिए बात हम आपके लिए और आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं सो इंडियन डेजर्ट की बात हो गई हमारी ठीक है मुख्यतः थार में और कच्छ के इलाके में पाया जाता है मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ तो बस आप मेरा कॉन्सेप्ट लगाओ और यहां से सब कुछ आपको पता चलता रहेगा भारतीय मरुस्थल क्षेत्र जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का छह दशमलव नौ प्रतिशत भाग है यह मुख्यतः था थार में और कच्छ के एरिया में पाया जाता है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति के नाम पे यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन मिल लेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रणपाती वन मिल सकते हैं मौसमी नमक दलदल के साथ रेतीले रेगिस्तान जो है यहाँ पर वो यहाँ पे मिलते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसके बाद आता है ये सेमी एरिड चार नंबर सेमी एरिड का मतलब क्या है कि मरुस्थल भी नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं है बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है ठीक है सेमी एरिड है लेकिन अगर ध्यान ना दिया तो ये वाला एरिया भी जल्दी क्या बन जाएगा मरुस्थल इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इस सेमी एरिड एरिया को बचाने के लिए प्रोएक्टिवली काम कर रही है हमने यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाने की बात की अगर आपको याद हो तो करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हो तो, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक है याद है कि नहीं है आपको हाँ भाई याद है या नहीं है आपको सो दिस इज ऑल सेमी एरिड एरिया सेमी एरिड रीजन जो है इसके अंदर में आपको पंद्रह दशमलव छह प्रतिशत भारत का टोटल एरिया आता है अब इसमें भी मुझे एक बात पक्की होगी तापमान तो बहुत मिलेगा लेकिन यार बारिश की कमी होती है रेनफॉल यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको कम मिलेगा तो कहने का मतलब है पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा नहीं मिले यहाँ भी घास के मैदान ही मिलने वाले हैं तो हमें ग्रास लैंड ही मिलने अब घास के मैदान का मतलब ये नहीं कि आपने बंगला आप है बंगले के सामने आपने हरी घास बो रखी है कि हरी हरी घास जंगल में हरी हरी घास चरे ऐसा कुछ नहीं है ग्रासलैंड का मतलब है कि पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वहाँ वो बन जाए मतलब रेन फॉर वो बन जाए जंगल बन जाए तो उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं ठीक है थीके? तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये राजस्थान के सॉरी अपना जो डेजर्ट है और जो वेस्टर्न घाट वाला इलाका है उसके बीच में पड़ता है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वनस्पति के नाम पे पेड़ कैसे मिलेंगे आप अंदाजा लगाओ पेड़ पौधों में देखें तो तापमान है बारिश कम है तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कोई लग्जरियंट काइंड की आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी ठीक है घास के मैदान मिलेंगे छोटे मोटे पेड़ मिल जाएंगे ठीक है ड्राई डेसीड्यूस पेड़ मिलेंगे तुम्हें ऐसे जो पत्ते छोड़ के छोड़ देते हैं अपने ऐसे पेड़ पौधे यहां मिले तो पानी नहीं है ना द नेचुरल वेजिटेशन जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट आप देखो ट्रॉपिकल का मतलब समझते हो थ्रोन का मतलब क्या होता है कांटेदार ठीक है ड्राई डेसीड्यूस का मतलब क्या है डेसीड्यूस मतलब जो पत्ते छोड़ते हो दोस्तों ठीक है ये यहाँ पे मिलेगा ठीक है ये हो गया सैंडी प्लेन uh, uh, pros, uh, मतलब है कि जो आपका सैंडी प्लेन एरिया है उसके अंदर कहीं कहीं आपको झाड़ी वो uh, मतलब एकशिया uh, जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको यार मैं नाम भूल गया कौन सा पेड़ बोलते हैं उसको यार कांटेदार जो होता है यार रेगिस्तान में पाया जाता है समझ गए ना तुम बस वही मेरा नाम भूल गया देखो यार क्या बोलते हैं उसको अभी भूल गया हमें और यहाँ दोस्तों ये जो रीजन है क्योंकि गुजरात इसके अंदर आता है तो जो गुजरात का जो लाइन स्पीसीज है गिर लाइन ठीक है उसके लिए फेमस माना था। और गिर लाइन जो है वो बस ऐसा है कि वो सिर्फ सेर, और सिर्फ गुजरात में ही पाया जाता है एंडेमिक है वो भारत के अलावा वो प्रजाति कहीं और नहीं पाई जाती हिंदी भाषा वाले छात्रों के लिए देखेंगे कि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है आप देखोगे यहाँ है ठीक है दिस इज द अर्ध शुष्क क्षेत्र और ये कितने एरिया कवर कर रहा है दोस्तों पंद्रह दशमलव छे परसेंट एरिया ठीक है कवर कर रहा है दोस्तों पश्चिमी घाट नीचे देखोगे तो पश्चिमी घाट है ऊपर देखोगे तो रेतीले मैदान है उनके बीच में आता है यहाँ पेड़ पौधे आपको उधी कांटेदार वन कांटेदार कहा मिलते हैं कांटे वहीं मिलते हैं जहां पानी नहीं होता दूसरा शुष्क शुष्क का मतलब ड्राई है पर्णपाती मतलब पत्ते छोड़ते हैं टाइम पे तो ऑब्वियस सी बात है यार तापमान ज्यादा है ठीक है और पत्ते जो है जो है रेनफॉल जो है वो है नहीं तो पत्ते क्या करेंगे इतनी है नहीं तो पत्ते छोड़ेंगे अच्छा एक बात सुनो मेरी बात ठीक है ये पत्ते क्यों छोड़े जाते हैं आपको पता है ये अनुकूल मीजर होता है अनुकूलन मीजर होता है आपको ठंड लगती है तो आप जर्सी पहनते हो और आपको गर्मी लगती है तो आप टी शर्ट पहनते हो ऐसा ही है ना अनुकूलन है ना आप समझदार हैं तो आप पहन लेते हैं पेड़ पौधों में भी यही समझदारी है जब ड्राई सीजन चलता है ना तो पेड़ पौधे अपने पत्ते क्यों छोड़ते हैं कि उनको पता है उससे वाटर लॉस कम हो सकता है कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे हम सांस लेते हैं ना और फिर हम सांस छोड़ते हैं जब सांस हम लेते हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं हवा को इनहेल कर रहे हैं मुख्यतः हम ऑक्सीजन बोलते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही जब पेड़ इनहेल करते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अंदर और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन साथ साथ में वाटर वेपर जलवाष्प पेड़ों के पत्ते जो होते हैं ना उनसे जल के जो वाष्प है ना वो भी एनवायरमेंट में क्या होते हैं दोस्तों रिलीज होते हैं तो पेड़ पौधे जो हैं 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 वो जल वाष्प भी भी रिलीज करते हैं भी रिलीज करते करते और ऑक्सीजन में ये बात आपको समझ में आ रही है, ना? अब सोच के देखो, एक ऐसा है जब ड्राई सीजन चल रहा है ठीक है पेड़ के पास ऑलरेडी पानी नहीं उसको पता है सूखा मौसम चल रहा है और ऐसे के अंदर में अगर वो पत्तों से पानी छोड़ने लग जाएगा तो पेड़ तो मर जाएगा ड्राई सीजन ऐसे में वो क्या करता है भाई पानी कम चल रहा है ठीक है अब पत्ते रहेंगे तो पानी जाएगा इसको बोलते हैं तो इसीलिए वो पत्ते क्या करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परे टाइम के लिए पत्ते ही छोड़ देते हैं पत्ते ही गिरा देते हैं तो पेड़ जो डेसिडस होते हैं पतझड़ होते हैं उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों उनका अडेप्टेशन फीचर रेगिस्तान में आपने देखा होगा जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ठीक है मरुस्थल के अंदर या तो पत्ते होते ही नहीं है उनके ऊपर क्यों सेम बात है क्योंकि पत्ते होंगे तो पानी रिलीज होगा और रेगिस्तान में पहले ही पानी नहीं है या उनका जो तना होता है ना वो मोटा होता है वैक्सी होता है उसके अंदर देखोगे ना तो गद्दा होता है इतना मोटा ठीक है गद्दा जैसे गन्ने में नहीं होता ऐसे गद्दा होगा और उस गद्दे के अंदर क्षमता होती है कि पानी लंबे टाइम तक वो स्टोर कर सके इनको बोलते हैं हम एडेप्टेशन अनुकूलन जैसे आप में दिमाग है ना इनमें भी दिमाग होता है है ना तो ये बात आपको समझ में आ रही है तो क्यों पत्ते छोड़ते हैं पेड़ ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं अब अगली जो बात करेंगे प्यारे बच्चों वो हम बात करेंगे किसकी दोस्तों हम ये वाले एरिया की बात करेंगे नंबर पांच और नंबर पांच पे दोस्तों ये जो भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला अगर कोई एरिया है तो वह वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को और ये नौ नंबर वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाले इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम करंट अफेयर में देखते हैं हर महीने के अंदर या तो एक यहां मिलती है या यहां आपको यहां मिलती है। दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर में भारत के इन दो क्षेत्रों का नाम आता है और उसका रीजन क्या होगा सोच के देखो यहां बहुत प्रकार के जीव जंतु और बहुत प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां मिलती है इसका रीजन क्या होगा फिर से उसी बात पे बात करते हैं तापमान का हिसाब किताब बताओ सर अगर यहां से अच्छा तो मानसून आता है ना वो इधर ही बारिश करता है इस एरिया में तीस से लेकर साढ़े तीस तीन से सौ सेंटीमीटर का झमाझम प्रोग्राम चलता है यहां पे बारिश का इतनी अच्छी बारिश यहां पर होती है तो देखो तो तो बारिश भी हो रही है तापमान भी है ठीक है दोनों हाथों में लड्डू है तो वन ज्यादा होंगे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे जंगल बनेगा जंगल बनेगा तो बहुत सारी प्रजातियां भी वहां होंगी और दूसरी बात क्या हम इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं है ना एनवायरमेंटलिस्ट इसके पीछे है और इसको खराब हम नहीं होने देंगे तो इसलिए जीव जंतु भी यहाँ ज्यादा है पेड़ पौधे भी ज्यादा है इसीलिए हम इसको जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहते हैं बाइडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ये जो कुल भारत के क्षेत्रफल का पांच दशमलव आठ प्रतिशत जोग्राफिकल एरिया कवर कर रहा है दोस्तों यहां पर आपको सदाबहार पेड़ मिलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट वेजिटेशन यहां पर मिलती है दोस्तों आपको ठीक है एंड पश्चिमी घाट जो है दोस्तों इसमें बहुत सारे जीवों की वर्टेब्रेट्स ठीक है मतलब दुनिया भर के जीव जंतु हैं हर बार कोई ना कोई नई प्रजाति यहां से मिलती रहती है और उसका कारण क्या है बच्चों वो कारण मैं आपको बता चुका हूं समझ में आ गया कारण क्यों पेड़ भी ज्यादा है सर क्योंकि बारिश भी ज्यादा तापमान भी ज्यादा तो सारी कंडीशन फेवरेबल है पेड़ पौधे ज्यादा है पेड़ पौधे ज्यादा है तो फिर क्या होगा जंगल बनेगा तो जीव जंतु भी ज्यादा होंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट और इसीलिए वेस्टर्न घाट से ना आपको दो मैं बता रहा हूं महीने दो महीने में एक स्पीसीज नहीं मिल जाती है वहां से

लाइक like, शेयर यार प्लीज नए बच्चे सब्सक्राइब करें चैनल को चलिए बहुत बढ़िया अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो और नहीं आ रहा है तो भी बता दो ठीक है अगर आ रहा है तो ओके की रिपोर्ट चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी कीजिए ठीक है ओके okay. मैं मानता हूं सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो मजा आ जाएगा है ना और नहीं करोगे तो दोस्तों छोड़ ही दोगे फिर बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं बेवकूफ़ बना रहे हैं ठीक है तो बेवकूफ़ बनते रहोगे और जब तक बेवकूफ़ बनोगे ना दोस्तों तब तक देख लो फिर सिलेक्शन नहीं होगा यूपीएससी का बाकी सब चीज हो जाएगी आगे बढ़ूंगा मैं डेक्कन प्लेटू अभी डेक्कन प्लेटू वाला ये एरिया है देखो छह नंबर पे ठीक है अगर बायोजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा एरिया इसी में आता है बयालीस परसेंट फोर्टी टू परसेंट देख रहे हो ये एक ऐसा इलाका है दखन का पठार दखन का पठार दखन प्लाटू प्लेटू का मतलब ये आपको इसे नाम से ही ना पता चल रहा है कि पथरीला इलाका है थोड़ा पत्थर वत्थर टाइप का इलाका है तो इस इलाके में अगर मैं तापमान पूछू तुमसे ठीक है तो तापमान भी ज्यादा है लेकिन इस इलाके में बारिश अगर मैं पूछूं तो तुमसे बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती ठीक है कम होती है लो होती है बारिश क्यों भाई क्योंकि मैंने बताया था ये रेन शेडो जोन में आता है पहली बात तो ठीक है और दूसरा यार इलाका भी कैसा है दोस्तों ये पथरीला है ठीक है ये चट्टान एरिया है यहाँ पर यहाँ पर क्या मिलती है आपको रॉक्स क्योंकि सारा का सारा जो है ये आपका बसाल्ट लावा रॉक से क्या है दोस्तों आपका बना हुआ है तो पेड़ पौधे भी यहां बहुत कम मिलेंगे तापमान यहाँ पे ज्यादा मिलेगा बारिश उतनी ज्यादा होती नहीं है तो वेजिटेशन भी आपको यहाँ पर कैसी मिलेगी उतनी लग्जरियंट वेजिटेशन यहां पर नहीं मिलेगी तो डेक्कन प्लेटू जो है भारत का सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक क्षेत्र है जिसमें 42 परसेंट एरिया इसी के अंदर आता है दोस्तों यह भी एक मरुस्थलीय क्षेत्र ही होता है अब मैंने बता दिया मरुस्थलीय क्यों है क्योंकि ना तो यहाँ की मिट्टी ठीक है क्योंकि वो भी पथरीली है पत्थर है यहां पे दूसरा तापमान ज्यादा है लेकिन बारिश भी नहीं है तो इसीलिए यह भी अर्ध मरुस्थल क्षेत्र के अंदर ही आता है ठीक है ये में आता आता है है दोस्तों दोस्तों अर्ध मरुस्थल के अंदर में आता है क्योंकि ये रेन शेडो जोन है मैंने बताया था ये एरिया जो है ठीक है अब रेन शेडो का कॉन्सेप्ट भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है यहां पे पड़ता है तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है दोस्तों बहुत कम यहां पे बारिश होती है ठीक है अगर ज्यादातर देखोगे तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और उड़ीसा वाले इलाके में फैला है महाराष्ट्र में पूरे में उसके बाद आप देखोगे तो उड़ीसा में पूरे में और मध्य प्रदेश के अंदर ये तीन बड़े स्टेट्स हैं जिनको ये क्या करता है दोस्तों कवर करता है सो दिस इज अबाउट द डेक्कन पेनिनसुला तो दक्कन का पटार भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का बयालीस प्रतिशत भाग है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है क्यों होता है मैं बता चुका हूं दोस्तों पश्चिमी घाट के छाया क्षेत्र के अंदर पड़ता है क्योंकि इसे देखो यहां पर है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट तो बारिश इधर तो हो जाती है ठीक है लेकिन इधर जो है ये पूरा का पूरा रेन शेडो जोन में आता है इसीलिए ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा कहलाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्लेन गंगा के मैदान उत्तर भारत के मैदान इसके बारे में तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत अपने को होनी ही नहीं चाहिए सबको पता होना चाहिए ये मैदान है जो नदी के इरोजन और डिपोजिशन से बने हैं पढ़ाया हुआ है ना लास्ट क्लास याद करो ठीक है इंडियन ज्योग्राफी आखिरी क्लास याद रख करो तो ये नदी के द्वारा कटाव और जमाव की प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण होता है बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती ठीक है ठीक ठीक होती है बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती और तापमान भी अच्छा रहता है तो यहां पर भी ग्रासलैंड मिलेंगे घास के मैदान और ज्यादातर इन इलाकों को हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए तो गंगा के मैदान को फिर हमने आगे चल के दो भागों में बांटना है आपको पता है अपर गंगा और लोअर गंगा तो भारत के कुल एरिया का दस, दस एरिया ये क्या करता है दोस्तों कवर करता है ठीक है इस एरिया की खास बात क्या है कि प्लेन एरिया है होमोजिनस मिलेगा आपको प्लेन मैदान दिखेंगे दूर तक कहीं तक चले जाओ ऐसा नहीं है उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा पथरीला नहीं बिल्कुल प्लेन एरिया जो खेती के लिए जो है प्रयुक्त है खेती के लिए सबसे ब, ब, बढ़िया इलाके हैं और उन्हीं की वजह से दोस्तों यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या ऊपी यहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पाई जाती है अब जनसंख्या ज़्यादा है घास अच्छी मिलेगी यहाँ क्योंकि घास के मैदान है इसीलिए जो हमारे घास खाने वाले बड़े जीव जानवर है वो इसमें बहुत मिलते हैं जैसे आपको पता रहीनो ठीक है रहीनो यहाँ मिलता है ठीक है वन ओन रहीनो एलिफेंट यहां पर मिलता है दोस्तों रहीनो ज्यादा पहले तो असम में मिलता है असम के बाद रहीनो यूपी में सबसे ज्यादा है एलिफेंट्स यहाँ पे मिलते हैं बफेलो भैंस मिलती है स्वैम्प डियर यहाँ पे मिलता है हॉग डियर हिस्पद हारे ठीक है तो इस प्रकार की जीव भी यहां पर क्या होते हैं मिलते हैं तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया ना ये वाला जिसने पक्का कर लिया दोस्तों उसको तो मैं बता रहा हूं कोई कमी आने वाली नहीं है वो दिमाग में ही सब कुछ सोच के ना हिसाब किताब बना देगा कि अच्छा यहां पे ये यह होगा और यहां पे ये यह होगा तो आफ्टर प्लेन वी विल मूव तो टू द नेक्स्ट पार्ट गंगा के मैदान कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग दस दशमलव आठ प्रतिशत है ये स्थलाकृतिक रूप से सैकड़ों किलोमीटर तक समरूप है एक जैसे हैं दोस्तों इसमें मुख्य जीव राइनो हाथी भैंस स्वांप डियर ये पाए जाते हैं दोस्तों इसके अंदर में ये गंगा के मैदान की बात कर रहा हूं मैं अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब ये वाला क्षेत्र अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं इस एरिया के अंदर में भी बारिश भी अच्छी होती है जबरदस्त और तापमान भी अच्छा ह्यूमिड क्लाइमेट भी है और टेम्परेचर भी है तो यहाँ पर भी उत्तर भारत के मैदान की भांति यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश होती है तो जैसी यहाँ पर हाल है वो यही है बारिश भी है तापमान भी ज्यादा है तो पेड़ पौधे बहुत मिलेंगे जंगल मिलेगा हाँ जंगल जंगल है तो बहुत सारी वनस्पतियाँ मिलेंगी प्रजातियाँ यहाँ मिलेंगी तो यहाँ बहुत सारी प्रजातियाँ भी यहाँ पर मिलती है

और भारत की बहुत सारी स्पीसीज यहां पे पाई जाती है ठीक है पूरा पढ़ोगे कुछ नहीं है इसमें नॉर्थ ईस्ट इज दस दायोजियोग्राफिकल दा गेटवे इसीलिए हम इसको इंडो मलायन का गेटवे कहते हैं कि यहीं से एंट्री हो रही है और ये बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट भी है अब सर देखो ये हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है याद वही करना है जो कॉन्सेप्ट लगे जो लॉजिकल हो जिसमें कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो रहा हो और कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे और कहा हो रहा है वो मैं आपको तुम्हें बता चुका हूँ ठीक है ऐसे करोगे तो बेहतर होगा बढ़िया होगा नहीं करोगे दोस्तों तो लौट जाओगे मैं बता रहा हूँ ठीक है गोता खा जाओगे चरमट्टी आ जाएगी तुम्हारे अंदर जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करना मजा आ जाएगा तुम्हें नॉर्थ ईस्ट भौगोलिक क्षेत्र जो है वो पांच दशमलव दो प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला है ये भारतीय भारत मलाया और भारत चीनी जै भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ हिमालयी पहाड़ों और प्रायद्वीपीय भारत के मिलन बिंदु के बीच में काम करता है एक संक्रमण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है इस प्रकार उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जीवों और वनस्पतियों के लिए जैव भौगोलिक प्रवेश द्वार कहलाता है और एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी है इस जैविक विविधता में योगदान देने वाली कई प्रजातियां या तो इस क्षेत्र में ही सीमित होती हैं या खांसी पहाड़ियों के छोटे स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित होती है मतलब जो यहाँ पाई जाती है वो यहीं पाई जाती है ऐसा नहीं कि क्योंकि और कहीं जाएंगी तो फिर मजा नहीं आएगा उनको क्योंकि ना उतनी बारिश मिलेगी उनको ना ही उतना तापमान अगला आता है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार अंडमान निकोबार का जो एरिया है दोस्तों दोस्तों सबको पता पता है 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 ये वाला है, दिस जोन ठीक दिस तो अंडमान निकोबार जो है दोस्तों आपको हिमालय का ही भाग होता है आगे हिमालय जो होता है ना वो जब बंगाल की खाड़ी के नीचे दिखता नहीं है बट जब वो दिखने लग जाता है तो उसको फिर हम क्या कह देते हैं दोस्तों हिमालय ठीक है सो जो हिमालय ये जो अंडमान निकोबार है हमारे देश का बायोजोग्राफिक जोन का जीरो ये कवर करता है अब इस एरिया में बारिश अच्छी खासी होती है तापमान ऐसा अच्छा खासा है तो आपको पेड़ पौधे भी अच्छे मिलेंगे तो अंडमान निकोबार पर जंगल मिलते हैं अब जंगल मिलेंगे तो वनस्पति भी अच्छी मिलेगी ना तो ये भी बायो, आपका बायोडावर्सिटी के हिसाब से जैव विविधता के हिसाब से रिच एरिया है है ना द आइलैंड इज हाउस ऑफ एन एरिया ऑफ फ्लोर एंड फोना बहुत प्रकार के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं और ऐसे जीव जंतु जो केवल यहीं पाए जाते हैं क्योंकि अनटस्ड हैबिटेट है ज्यादा हमने इस पर पहुंच तो गए हम यहाँ पे भी लेकिन हमने इसको उतना ज्यादा जो है छेड़ा बेड़ा नहीं है तो ये एक हैबिटेट है यहाँ पे तीन आइलैंड के समूह से बनता है आपको पता है दोस्तों अंडमान और निकोबार अंडमान में नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान लिटिल अंडमान साउथ अंडमान उसके अलावा निकोबार में कार निकोबार मिडिल निकोबार और साउथ ग्रेट निकोबार है ना उनसे है मिलकर बनता है यहां पर फाइनेस्ट एवरग्रीन वेजिटेशन मिलती है आपको सदा हरी भरी क्योंकि बारिश हो रही है नमी है सब चीज है तो इसको क्या चाहिए तो एवरग्रीन और एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसीलिए यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जंतु भी मिलेंगे इंडिया एंडेमिक आइलैंड ज फाइंड ओनली ऑन द अंडमान निकोबार आइलैंड सम ऑफ द एंडेमिक एंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज नारकोंडम हॉर्नबिल जो सिर्फ यही मिलती है नारकोंडम हॉर्नबिल आपको यहीं मिलेगी साउथ अंडमान जो कैरेट है ठीक है सांप है वो यहीं मिलेगा आपको ये कहीं नहीं मिलता तो मैं बोल रहा हूं कि पूरी भारत के अंदर अगर ऐसी आइलैंड की प्रजाति जो केवल आइलैंड पे मिलती है तो वो अंडमान निकोबार में मिलती है हमारे में और कहीं पर नहीं मिलती तो अंडमान निकोबार में भी जैव विविधता ज्यादा कारण क्या है दोस्तों तापमान भी ज्यादा बारिश भी ज्यादा तो पेड़ पौधे ज्यादा पेड़ पौधे ज्यादा तो जीव जंतु ज्यादा पेड़ पौधे कैसे होंगे सर सदा बार क्यों क्योंकि ड्राई सीजन होता नहीं है क्योंकि रीजन इक्वेटर के पास है इक्वेटर के पास है तो बारिश क्या होती है ज्यादा होती है

संख्या भी कम है और लाइक भी कम है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार मतलब मेरे को डिस्करेज भगाना चाहते हो क्या वैसे ही बोल दो सर मत पढ़ाओ बस अब और मन नहीं है मैं वैसे ही नहीं पढ़ाऊंगा है भाई अरे वैसे ही बोल दो यार कि मत पढ़ाओ सर अब और नहीं सा जाता बस बहुत हुआ अत्याचार अब और नहीं पढ़ पाएंगे हम ऐसा कह दो <laughs> चलिए एक खुशखबरी दे देता हूं तुम्हें ठीक है अच्छी खबर दे देता हूं जो अनकेडमी को ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं ना जिनको अभी ज्वाइन करना है उनके लिए ट्वेंटी परसेंट फ्लैट का ऑफर आ गया है ये अब तक का सबसे अच्छा ऑफर माना जाता है मतलब तो इसमें आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं ये सोलह और चौदह से लेकर सोलह मार्च तक है ये ऑफर बस सोलह मार्च को ख़त्म आज तारीख कितनी है फोर्टीन आज रहेगा कल रहेगा और परसों तीन दिन रहेगा ये इसके अंदर में दो आपको आपको 12 महीने का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना इसका रेट है पैतालीस सात सौ सत्तावन आपको पंद्रह हजार रुपये ओरिजिनल प्राइस तो ये है लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है 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 18 मंथ वाला ठीक आइकॉनिक लो वैसे प्राइस 85,000 अड़सठ हजार में मिल रहा है सत्रह हजार का डिस्काउंट मिल रहा है तीन दिन के लिए यार टूट पड़ो भाई जिसको अगर जो देखो जिसको मैं मैं आपको ऑनेस्ट बताता हूँ जिसको अभी आगे जाके सब्सक्रिप्शन लेना है महीने दो महीने छह महीने एक साल में उसके लिए बेस्ट ऑफर है ठीक है अगर आप 2022 23 की 24 की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर द टू ईयर सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का कोड में तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों आपको कोड सुमित टेन ही यूज़ करना अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं जुड़ना चाहते मत करिए लेकिन हाँ मैं किसी ऐसे बच्चे को फिर बाद में एंटरटेन नहीं करूंगा जो कोड कुछ और लगा के आता है मेरे पास आ जाता है सर मैंने तो उसका कोड लगा दिया उसने कहा था कि नहीं नहीं मैं सर से बात करा दूंगा सर तो मेरे ही साथ ही है मैं ऐसी चीज़ को एंटरटेन नहीं करूंगा ठीक है है तो प्लीज वीडियो मैं, वीडियो सॉरी कह रहा हूं, यूज कोड क्या सुमित ना और जाके ज्वाइन कर लो तीन दिन का ऑफर है ये बस तीन दिन के बाद नहीं होगा उसके अलावा दोस्तों आप यहां पर देखें तो हम क्या है दोस्तों इंट्रोडक्टरी प्राइस है यहां पर है ना तो प्रलिम्स का तो ये टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी अगर हम बात करें ना तो इसमें पचास हजार बच्चे एनरोल कर चुके हैं इंडिया का लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ये होने वाला है आप ये देख लो पांच में से ना साढ़े चार रेटिंग मिल रही है इतना अच्छा प्रोग्राम है ये तो ये जो टेस्ट सीरीज अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर लो लोअकेडमी जो है यू ए लाइट के नाम से है बाकी आपको पता है सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के आइकॉनिक और प्लस आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है प्लस के अंदर में लाइव क्लास अपने टेस्ट कोर्स अच्छे से स्ट्रक्चर तरीके से और बहुत कितनी बार भी आप क्लास को पढ़ सकते हो ठीक है ये मिलता है आइकॉनिक के अंदर पर्सनल गाइडेंस मिलता है ये अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन है वैसे देखें तो जीएस वाइज बट ये आइकॉनिक जीएस का है लेकिन जब बेस्ट ऑफर यहाँ है ठीक है बेस्ट ऑफर यहाँ है ये वाला बेस्ट है कॉम्बो का मतलब होता है जिसमें आप जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ करते हैं लेकिन आप अलग अलग का भी ऑप्शन है जैसे ये 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 रहा महंगा और पड़ेगा आपको ठीक ठीक है 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 बट कोई भी सब्सक्रिप्शन आप करें ऑप्शनल का है, देखो अब अब दो अलग अलग करेंगे इससे अच्छा एक बार कर लेंगे कॉम्बो याद रखना दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं जब भी आप अन अकेडमी सब्सक्राइब करें कोड जो है ना सुमित टेन ही आपको यूज करना है ठीक है कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हो दस परसेंट डिस्काउंट और अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा ठीक है चलिए नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों वीडियो को समाप्त करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज यार एक कमेंट जरूर करें आपके कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है प्लीज कमेंट करें दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलता हूं दोस्तों दूसरी क्लास में तब तक के लिए टेक केयर बाय जय हिंद